हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने साइन इक्वल के बारे में जानेंगे। इक्वल का मतलब होता है बेटा बराबर। जो चीज समान होती है उसे कहते हैं इक्वल, और हम इक्वल को दर्शाने के लिए इस साइन का उपयोग करते हैं। ये साइन बेटा ऐसे होता है, इसे कहते हैं इक्वल। और इक्वल के ही मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगी, जैसे कि यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, तो ये दोनों समान है, तो इनको जो समानता है उसको दर्शाने के लिए जो साइन लगता है वो होता है इक्वल, जो यहाँ लगाया है। जैसे ये भी सात है, ये भी सात है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो हम इसमें साइन क्या लगाएंगे? इक्वल। ये भी नौ है, ये भी नौ है, तो इसके बीच में क्या साइन लगेगा? इक्वल, ये बराबर है। ये भी एक, ये भी एक, तो दोनों है समान, और समान के लिए हम कहते हैं इक्वल। जैसे ये भी छः, ये भी छः, दोनों क्या है? इक्वल। ये भी आठ, ये भी आठ, इक्वल। ये भी दस, ये भी दस, हुआ इक्वल। ये भी पाँच, ये भी पाँच, क्या हुए? समान है, तो समान के लिए क्या करेंगे? इक्वल का साइन। ये भी तीन, ये भी तीन, एक समान। ये भी दो, ये भी दो, क्या हुआ? इक्वल। तो बेटा आज हमने देखा जो ये हमारा साइन है, ये हमारा साइन जो आता है वो आता है इक्वल का, मतलब कि समानता का, बराबर का। जब हमारे दोनों साइड की संख्या एक जैसी समान हो तो हम इस साइन का उपयोग करते हैं। ना ये छोटा है या ना बड़ा है, ये हमारे को बराबर दर्शाता है। और मैंने यही एग्जांपल आपके लिए लिए थे कि जो भी इधर है संख्या या इधर है वो हमारी एक समान है, तो उसके बीच में साइन आएगा बराबर का, मतलब इक्वल का।